Hi guys, if you're new to my channel, please do not forget to subscribe to my channel and hit that notification bell. यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा राइस टोनर बनाना सिखा रही हूँ, राइस वाटर. इसके बहुत अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले हम चावल लेंगे. तकरीबन 1/4 कप मैंने चावल ले लिए हैं. इन चावलों को, बासमती राइस कोई भी राइस आप ले सकते हैं, इन चावलों को जो है हम किसी बोल में डाल के अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी या कोई एनी रेजिड्यू ना रहे. उसके बाद हम इसे धोने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के लेट इट सिट फॉर गुड 4 to 5 आवर्स. उससे ये होगा कि ये आपका एक तरह से रॉ राइस वाटर रेडी हो जाएगा. इसको आप रेफ्रिजरेट करके रख सकती हैं. यू कैन यूज़ इट एज अ टोनर, एज अ फेस मास्क. आप इसे हेयर रेंज कर सकती हैं. जो राइस फ्लावर तो राइस वाटर के बेनिफिट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. सेकेंड ऑप्शन ये है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो 4-5 घंटे के बाद मैंने स्टोर कर लिया ये वाटर, और ये मैं इसे अपने रेफ्रिजरेट कर दूँगी. और इसके बाद मैं एज अ टोनर, या कोई एलर्जी हो या आपको कोई रैशेज हो, आप बच्चों के इफेक्ट वहाँ पर भी स्किन पर लगा सकती हैं, तो राइस वाटर जो है वो बेहतरीन काम करता है. सेकंड जो मेरे पास, जो मैं इसका एज अ टोनर भी यूज़ कर सकती हूँ, वो है पीच निकालने के बाद जो पीच पानी होता है बॉयल राइस का, वो आप रिटेन करेंगी, वो अपने पास रखेंगी एंड लेट इट कूल, और कूल हो जाने के बाद आप इसे रेफ्रिजरेट कर देंगी. ये डाइल्यूट फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, तो आज हम पूरा चावल के गिर्द ही बात करेंगे. चावल का आटा विच आई बॉट फ्रॉम इम्तियाज़, ये पूनम का है और बेस्ट है ये. इसमें कोई भी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब कोई ख़राबी नहीं है इसमें. बहुत रिफाइंड आटा है चावल का, और चावल का आटा जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है स्किन वाइटिंग में, बिकॉज ये जो है विदाउट एनी साइड इफेक्ट है. यू कैन यूज़ इट एनी टाइम, और मैं आगे भी इसका मास्क बनाना सिखाती हूँ आपको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसेंशियल्स बाय सारा. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आज मैं आपके लिए एक होम मेड विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और ये एशियन स्किन टोन्स के लिए दी बेस्ट रेमेडी है जो राइस फ्लावर से मिलेगी आपको. तो जी, ये जो है ये राइस फ्लावर है. राइस फ्लावर जो है वो, इसमें पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है जो आपके सन टैन को ख़त्म करता है, और आपकी स्किन से जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, उसको रिड्यूस करेगा, और आपकी स्किन को जो है वो एक ग्लो लेकर आएगा. उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर. ये जो है एक एंटी ऑक्सीडेंट है, और ये आपकी स्किन को एज अ बेस्ट एक्सफोलिएटर प्लस स्क्रब काम करेगा. और ये दोनों जो हैं, मतलब राइस फ्लावर और ये मिलके साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे. और इसमें आपको लेना है कच्चा दूध. सो अगर आपके पास कच्चा दूध है, रॉ मिल्क, आप वो लेना, अदरवाइज जो भी आपके पास टेट्रापैक का मिल्क है आप वो ले सकते हैं. सो इस रेमेडी या फेस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए चावल का आटा. इसमें चावल का आटा मैंने इस तरीके से खाली जार में भर के लग रही है एक स्कूप के साथ. तो मैं इसमें तकरीबन जो है वो अपने फेस के अकॉर्डिंग लूंगी. मैं तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो चावल का आटा लूंगी. इसमें आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं. 1 टीस्पून चावल का आटा लेने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून तकरीबन मैदा लूंगी. इतना ही मैं मैदा लूंगी, और इनको आपस में हम मिक्स कर लेंगे. आपस में इसको मिक्स करने के बाद चावल के आटे और मैदे को हम इसका थिक पेस्ट बना लेंगे रॉ मिल्क से. उतना मिल्क लें कि आपको एक कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए. अच्छा, जो दूध में लैक्टिक एसिड होता है, दूध जो है वो नेचुरल वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है, और आप इसमें पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो है वो आप रॉ मिल्क यूज़ कर लें, या तो फिर अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप जो है, जैसे मैं टेट्रापैक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप टेट्रापैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं ये खुद लगा चुकी हूँ, और इससे मुझे जब भी सन टैन होता है इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. ये जो है वो बहुत महंगी रेमेडीज से काफ़ी इफ़ेक्टिव है कि आपके इसमें कोई पैसे इतने खर्च नहीं होने. ठीक है, अब ये इस तरीके से पेस्ट बन चुका है. इस पेस्ट को जो है आप अपने फेस पे, हैंड्स पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपको सन टैन है, और ये आप वीक में 2 से 3 बार लगा सकते हैं. इस तरीके से जो है,
मसाज करते हुए आप लगाएंगे और 15 टू 20 मिनट्स रहने देंगे। उसके बाद आप डिफरेंस देखिएगा कि कितना अच्छा इसका इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि जो चावल है उसमें वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, जो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है, जो डार्क स्किन हो जाती है उसको रिड्यूस करता है। मैदा जो है ऑल पर्पस फ्लावर वो अच्छा एक्सफोलिएटर है, वैसे राइस फ्लावर भी एक्सफोलिएटर बहुत अच्छा है। और आप इसे रूटीनली भी, जैसे ये मैंने जार बनाया हुआ है, आप इसे रूटीनली भी जो है सिंपल वाटर से भी जो है अपना फेस इससे रिंस कर सकते हैं। इस तरीके से मसाज करके लगाने के बाद लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स और उसके बाद आप इसे स्क्रब ऑफ कर देंगे तो आप विजिबल डिफरेंस देखेंगे अपने जो है स्किन टोन में। ओके गाइस, तो तकरीबन जो है 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं। एक और बात, आप जो चावलों की पीच है उसको फेंके मत, उसको कूल डाउन करने के बाद रेफ्रिजरेट कर लें। चावलों की पीच निकालने के बाद आप उसे किसी भी स्प्रे बॉटल में रख दें तो ये जो चावलों की पीच होती है ये भी बेहतरीन होती है। ओके, तो अब जो है हम इसी स्प्रे करेंगे, यही जो मेरे पास चावलों की पीच थी, और इससे जो है वो अच्छी तरीके से मसाज करके साफ करेंगे अपने हाथ को। ओके, सो जो है वो मैंने हाथ वॉश कर लिए, हैंड वॉश कर लिए हैं। जो चावल की पीच होती है ये आपका बेस्ट टोनर का काम करेगी, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसको आप रेफ्रिजरेट करके रखेंगे और एज अ टोनर वॉश करने के बाद इसको स्प्रे करेंगे तो ये सनटैन से आपको बचाएगी। बाकी जो ये वाला फेस पैक है आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आपको अपने स्किन टोन में यकीनी फ़र्क महसूस होगा। तो डू लेट मी नो अगर आप ये रेमेडी ट्राई करें आपको कैसी लगती है तो मुझे बताएगा। इंशाल्लाह ताला आई विल बी बैक विद सम अदर एक्साइटिंग वीडियोस। टिल देन अल्लाह हाफिज़।